चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी बुक्स के बारे में। इसमें हम लोग कक्षा 10वीं की लोकतांत्रिक राजनीतिक राजनीति सेकंड के बारे में बात कर रहे थे। इसमें दो चैप्टर आपके अभी तक खत्म कर चुके हैं। लास्ट चैप्टर दूसरा था आपका संघवाद। आज बात करेंगे लोकतंत्र और विविधता। ये बहुत ही बढ़िया चैप्टर रहने वाला है। अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट पीसीएस की, तो आपके लिए जरूरी है एनसीईआरटी, और ये चैप्टर भी आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अगर भारत में रह रहे फिर भी आपको इस तरह की लोकतंत्र के बारे में, विविधता के बारे में जानना चाहिए, अपनी अपने यहाँ की राजनीति के बारे में। फिर आपको पता ही ना चले कि आप वोट किसे दे रहे हैं, मंत्री क्यों बन गए, लोकतंत्र होता क्या है। फिर तो इससे अच्छा कि वोट देना बंद कर दीजिए कि आपको पता ही ना चले कि आपके वोट का आखिर होता क्या है। समझ रहे हैं? अब आपसे लोकतंत्र का मतलब आपको क्या क्या अधिकार मिले हुए हैं। अब आप जाके डरते हैं, बोलने में भी डरते हैं, अगर कहीं गलत भी हो रहा है तो वहां भी आप चुप हो जाते हैं। तो आपको कम से कम मालूम तो होना चाहिए कि गलत के खिलाफ आपको आवाज उठाना आपका अधिकार है। तो इसे देखते हैं आखिर क्या क्या बताया जा रहा है। लोकतंत्र और विविधता। पिछले अध्याय में हमने देखा कि भाषाई और क्षेत्रीय विविधताओं को संघ साथ लेकर चलने के लिए सत्ता का बंटवारा किया जा सकता है, लेकिन लोगों की विशिष्ट पहचान सिर्फ भाषा और क्षेत्र के आधार पर ही नहीं बनती। कई बार लोग अपनी पहचान और दूसरों से अपने संबंध शारीरिक बनावट, वर्ग, धर्म, लिंग, जाति, कबीले वगैरह के आधार पर भी परिभाषित करते हैं। इस अध्याय में हम देखेंगे कि किस तरह लोकतंत्र सारी सामाजिक विभिन्नताओं, अंतरों, समानताओं, असमानताओं के बीच सामंजस्य बैठाकर उनका सर्वमान्य समाधान देने की कोशिश करता है। या हम सामाजिक विभाजनों की सार्वजनिक अभिव्यक्ति के एक उदाहरण के लिए के जरिए अपनी बात स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि सामाजिक विभिन्नताएं कैसे अलग अलग रूप धारण करती हैं। फिर हम यह देखेंगे कि सामाजिक विभिन्नता और लोकतांत्रिक राजनीति किस तरह एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। बात करते हैं मैक्सिको ओलंपिक की कहानी से शुरू करते हैं हम लोग। इस पृष्ठ पर छपी तस्वीर अमेरिका में चले नागरिक अधिकार आंदोलन की एक प्रमुख घटना से संबंधित है। यह 1968 में मैक्सिको सिटी में हुए ओलंपिक मुकाबलों की 200 मीटर दौड़ के पदक समारोह की तस्वीर है। ये आप देख रहे होंगे। अमेरिका का राष्ट्रगान बज रहा है और सिर झुकाए तथा मुट्ठी ताने हुए जो खिलाड़ी खड़े हैं वे अमेरिकी धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस हैं। ये एफ्रो अमेरिकी हैं जिन्होंने इन्होंने क्रमशः स्वर्ण और कांस्य पदक जीता है। उन्होंने जूते नहीं पहने थे, सिर्फ मोजे चढ़ाए पुरस्कार लेकर दोनों ने यह जताने की कोशिश की कि अमेरिका आश्रित लोग गरीब हैं। स्मिथ ने अपने गले में एक काला मफलर जैसा परिधान भी पहना था जो आश्रित लोगों के लिए आत्मगौरव का प्रतीक है। कार्लोस ने मारे गए आश्रित लोगों की याद में काले मनकों की एक माला भी पहनी थी। अपने स्पितिकों और तौर तरीकों से उन्होंने अमेरिका में होने वाले रंगभेद के प्रति अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का ध्यान खींचने की कोशिश भी की। अभी कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने एक आर्टिकल डिस्कस किया था आश्रितों के साथ, यानी कि वहाँ अमेरिका में किस तरह से एक आदमी को आश्रित आदमी को मार दिया जाता है, व्यक्ति को। समझ रहे हैं? तो मतलब अभी भी वहां भेदभाव चल रहा है। आपने सुना होगा कि दक्षिण अफ्रीका में भी इस तरह के हुआ करते थे। तो नेल्सन मंडेला साहब ने इस पर बड़ा विरोध किया, बड़े बड़े आंदोलन किए, उसी के लिए एक लंबे समय तक वो जेल में भी रहे। ठीक है, गांधी जी के साथ भी आपने सुना होगा कि रंगभेद की नीति की गई थी, उन्होंने भी आंदोलन चलाए। तो अभी भी कई ऐसे देश हैं कि जहां इस तरह की क्रूरता अभी भी देखी जाती है। काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठियां आश्वेत शक्ति का प्रतीक थी। रजत पदक जीतने वाले ऑस्ट्रेलियाई धावक पीटर नॉर्मन ने पुरस्कार समारोह में अपनी जर्सी पर मानवाधिकार का बिल्ला लगाकर इन दोनों अमेरिकी खिलाड़ियों के प्रति अपना समर्थन भी जताया। क्या कार्लोस और स्मिथ द्वारा अमेरिकी समाज के आंतरिक मामलों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाना उचित था? क्या आप उनके काम को राजनीतिक मानेंगे? या पीटर नॉर्मन जो ना तो अमेरिकी थे और ना ही आश्रित, क्यों इस विरोध में शामिल हो गए? क्या आप इनकी जगह जगह होते तो क्या करते? आप भी जानते हैं कि कई बार आप भी देखते हैं कि कई समाजों पर अगर अत्याचार हो रहा था
तो उस समाज का ना होते हुए भी उसका विरोध करते हैं कि मतलब एक समाज एक इंसान के प्रति हो रहा है ना इस तरह का भेदभाव, तो उसमें कई लोग शामिल हो जाते हैं। तो ये कोई जाति पर्टिकुलर को जोड़कर नहीं देखा जाता है। गलत हो रहा है तो गलत का विरोध करिए, आपके समाज के खिलाफ हो रहा है या दूसरे के समाज के खिलाफ, हो तो रहा है कम से कम इंसान के खिलाफ। यहाँ आपको एप्रो अमेरिकी आशुवित अमेरिकी या फिर आशुवित शब्द उन अफ्रीकी लोगों के वंशजों के लिए प्रयुक्त होता है जिन्हें 17वीं सदी से 19वीं सदी की शुरुआत तक अमेरिका में गुलाम बनाकर लाया गया था। आपको पता होगा कि क्या होता था कि अंग्रेजों के समय में हमारे यहाँ से लोगों को अमेरिका यानी विकसित देशों में ले जाया जा करता था वहाँ काम करने के लिए, और उसके बाद आपने देखा कि वो लोग वहीं बस गए, तो वही लोग हैं ये आशुवित। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन 1954 से 1968 तक चला। घटना और सुधार आंदोलन का एक सिलसिला जिसका उद्देश्य अमेरिकी लोगों के विरुद्ध होने वाले नस्ल आधारित भेदभाव को मिटाना था। मार्टिन मार्टिन लूथर किंग जूनियर की अगुवाई में लड़े गए इस आंदोलन का स्वरूप पूरी तरह अहिंसक था। इसने नस्ल के आधार पर भेदभाव करने वाले कानूनों और व्यवहार को समाप्त करने की मांग उठाई, जो अंततः सफल भी हुई। फिर भी आप देख रहे हैं कि अभी भी इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। आशुवित शक्ति आंदोलन, यह आंदोलन 1966 में उभरा और 1975 तक चलता रहा। नस्लवाद को लेकर इस आंदोलन का रवैया ज्यादा उग्र था। इसका मानना था कि अमेरिका से नस्लवाद मिटने के लिए हिंसा का सहारा लेने में भी हर्ज नहीं है। तो मार्टिन लूथर साहब थे अहिंसक, यानी कि उन्होंने गांधी जी का रास्ता अपनाया, और बाकी ने भगत सिंह वाला, आप समझ रहे हैं, मारने मरने वाला। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने कार्लोस और स्मिथ द्वारा राजनीतिक बयान देने की इस युक्ति को ओलंपिक भावना की विरुद्ध बताते हुए उन्हें दोषी करार दिया और उनके पदक वापस ले लिए गए। नॉर्मन भी अपने फैसले की कीमत चुकानी पड़ी और अगले ओलंपिक में उन्हें ऑस्ट्रेलिया की टीम में जगह नहीं दी गई। पर इनके फैसलों ने अमेरिका में बढ़ते नागरिक अधिकार आंदोलन के प्रति दुनिया में ध्यान खींचने में सफलता पाई। हाल ही में सैन होज स्टेट यूनिवर्सिटी ने, जहां इन दोनों ने पढ़ाई की थी, इन दोनों का अभिनंदन किया और विश्वविद्यालय के भीतर उनकी मूर्ति भी लगवाई गई। जब 2006 में नार्वन की मौत हुई तो उनकी अर्थी को कंधा देने वालों में स्मिथ और कार्लोस भी शामिल थे। एक बात आप लोग हमेशा याद रखिए, अगर आप गलत का विरोध करते हैं तो हो सकता है कि आप 10 साल जिए, 70 साल की जगह, लेकिन इतिहास आपको याद जरूर रखेगा। और अगर गलत का विरोध नहीं करते हैं, आप उसी धारा में बहते हैं, तो आप 500 साल जी लीजिए, लेकिन आपका कोई महत्व नहीं है जीने का, समझ रहे हैं आप लोग। 2005 में सैन होज स्टेट यूनिवर्सिटी ने टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस के विरुद्ध प्रदर्शन के अतिथि के रूप में एक 20 फीट ऊंची मूर्ति लगवाई। 1968 में के पदक वितरण समारोह की असल तस्वीर भी ऊपर इंसेट में है, इसकी बात कह रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग बीच बहस में। ये क्या है, कुछ दलित समूहों ने 2001 में डरबन में हुए संयुक्त राष्ट्र के नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन में हिस्सा लेने के का फैसला किया और मांग की कि सम्मेलन की कार्यसूची में जाति भेद को भी रखा जाए। इस फैसले पर ये 3 प्रतिक्रियाएं सामने आई। अमनदीप कौर, सरकारी अधिकारी, हमारे संविधान में जातिगत भेदभाव को गैर कानूनी करार दिया गया, अगर कहीं कहीं जातिगत भेदभाव होता है तो यह हमारा आंतरिक मामला है, इसे प्रशासनिक अक्षमता के रूप में देखा जाना चाहिए, मैं इसे अंतरराष्ट्रीय मंच पर उठाए जाने के खिलाफ हूँ। ओइनम, समाजशास्त्री, जाति और नस्ल एक जैसे सामाजिक विभाजन नहीं है, इसलिए मैं इसके खिलाफ हूँ। जाति का आधार सामाजिक है जबकि नस्ल का आधार जीव शास्त्रीय होता है। नस्लवाद विरोधी सम्मेलन में जाति के मुद्दे को उठाना दोनों के को समान मानने जैसा होगा। अशोक, दलित कार्यकर्ता, किसी मुद्दे को आंतरिक मामला कहना दमन और भेदभाव पर खुली चर्चा को रोकना है। नस्ल विरुद्ध विशुद्ध रूप से जीव शास्त्रीय नहीं है, या जाति की तरह ही काफी हद तक समाज शास्त्रीय और वैधानिक वर्गीकरण है। इस सम्मेलन में जातिगत भेदभाव का मसला जरूर उठना चाहिए। आपने सुना होगा अभी कुछ ही दिन पहले आपकी एक मूवी आई हुई थी आर्टिकल 15, इसे आप लोग जाकर देखें जरूर, क्योंकि आप देखते हैं कि अगर आप आंतरिक मामला करते रहे तो यही हुआ हिंदुओं के साथ आपका पाकिस्तान में।
कि वहां किसी को बोलने नहीं दिया गया। तो जितने भी हिंदू थे या तो उन्हें मुस्लिमों में बदल दिया गया, इस्लामिक धर्म अपनाना पड़ा, या फिर उन्हें मार दिया गया। उनके परिवार के साथ किस तरह से अत्याचार किया गया है जग जाहिर है उससे, कि लड़कियों के साथ बलात्कार, धर्म बदल दिया गया, मार दिया गया उनके माँ बाप को, समझ रहे हैं किस तरह से, मतलब जितनी क्रूरता हो सकती थी उतनी क्रूरता अपनाई पाकिस्तान में। और अगर यही आप सोचिए कि अगर अंतर्राष्ट्रीय मामला बनता तो इसकी जानकारी होती, जांच होती, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाता, कुछ मानवाधिकार भी आते, लेकिन इस तरह का कुछ देखने को नहीं मिला जाता। समानताएं, असमानताएं और विभाजन। ऊपर दिए गए उदाहरण में खिलाड़ी सामाजिक बंटवारे और सामाजिक भेदभाव को अपने तरीके से विरोध कर रहे थे, पर क्या ऐसा भेदभाव सिर्फ नस्ल या फिर रंग के आधार पर ही होता है? पिछले दो अध्यायों में हमने सामाजिक बंटवारे के कुछ अनुस्वरूप को देखा है। उदाहरण के लिए बेल्जियम और श्रीलंका में यह विभाजन क्षेत्रीय और सामाजिक दोनों स्तरों पर मौजूद था। बेल्जियम में अलग अलग इलाकों में रहने वाले लोग अलग अलग भाषाएं बोलते थे। श्रीलंका में यह बंटवारा भाषा और क्षेत्र दोनों आधारों पर दिखाई देता है। इस प्रकार हर समाज में सामाजिक विविधता अलग अलग रूप में सामने आती है। सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति की अगर बात करें, सामाजिक विभाजन अधिकांशतः जन्म पर आधारित होता है। सामान्य तौर पर अपना समुदाय चुनना हमारे बस में नहीं होता है। हम सिर्फ इस आधार पर किसी खास समुदाय के सदस्य हो जाते हैं कि हमारा जन्म उस समुदाय के एक परिवार में हुआ था, यानी कि कोई किसी भी जाति में हो रहा है, समझ रहे हैं आप लोग, कोई पंडित, कोई दलित, कोई यादव, कोई गुप्ता, इस तरह की बात की जाए। जन्म पर आधारित सामाजिक विभाजन का अनुभव हम अपने दैनिक जीवन में लगभग रोज करते हैं। हम अपने आसपास देखते हैं कि चाहे कोई स्त्री हो या फिर पुरुष, लंबा हो या छोटा, सबकी चमड़ी का रंग अलग अलग है, उनकी शारीरिक क्षमताएं या फिर अक्षमताएं अलग अलग हैं। बहरहाल सभी किस्म की सामाजिक विभाजन सिर्फ जन्म पर आधारित नहीं होती है, कुछ चीजें हमारी पसंद या चुनाव के आधार पर भी तय होती हैं। कई लोग अपने माँ बाप और परिवार से अलग अपनी पसंद का भी धर्म चुन लेते हैं। हम सभी लोग पढ़ाई के विषय पेशे, खेल या फिर सांस्कृतिक गतिविधियों का चुनाव अपनी पसंद से करते हैं। इन सब के आधार पर भी सामाजिक समूह बनते हैं और ये जन्म पर आधारित नहीं होते हैं। इस कार्टून में से हर व्यक्ति अलग अलग धर्म निकाल सकता है। आपको इस कार्टून का क्या मतलब समझ में आ रहा है? सीधा सा मतलब काट काट के अपने अपने हिसाब का निकाल लीजिए। मतलब कहने का मतलब सीधा कि एक आदमी एक है, फिर उसके बाद उसने क्या किया कि अदद उमे से, मतलब एक समझिए कि आप धरती पर कुछ समय पहले इस तरह की असमानताएं नहीं देखने को मिलती थी, लेकिन जब से आपने देखा होगा भेदभाव होने लगा। आप सोचिए कि कहते हैं ना हड़प्पा सभ्यता में आपने देखा होगा कि सब लोग बराबर थे, लेकिन कई लोग पुरोहित हुए, कई जादू टोने, तो आप भी जानते हैं कि जादू टोना जो करना जानता होगा उस समय, तो उन्हें बड़ी जाति का समझने लगे। फिर उसके बाद आपने देखा कि राजा होने लगे, महाराजा होने लगे, उसके बाद जो काम कर रहा है नीचा, छोटा काम कर रहा है, उसे उस हिसाब से जाति में रख दिया गया है। तो आप ये तो नहीं कह सकते हैं कि जाति भगवान ने ही पैदा की हुई है। अब आप सोचिए कि बच्चे जन्म लेता है, उसे क्या पता रहता है कि क्या धर्म है, उसे नफरत कौन धर्मों में सिखाता है। हम ही लोग सामने जब समाज में रहता है तभी उसे दूसरे समाज के प्रति नफरत होने लगती है। हम मुस्लिम हैं, हम हिंदू हैं, हम ईसाई, इस तरह की भावनाएं उसकी समझ विकसित होने के बाद ही और उसमें रहन सहन के बाद ही। पाकिस्तान में आपने सुना होगा कि उन्हें नफरत भरी जाती है उनके अंदर इंडिया के खिलाफ, हम लोगों के खिलाफ। तो बचपन से ही आप मारकाट सिखाएंगे, मारकाट तो उसके दिमाग में क्या चलेगा, मारकाट ही चलेगा, समझ में है? तो इसीलिए तो कहते हैं कि बचपन से ही अगर आप जो सिखाएंगे शायद वही बच्चा अपनाएगा। हर सामाजिक विभिन्नताएं सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती हैं। सामाजिक विभिन्नताएं लोगों के बीच बंटवारे का एक बड़ा कारण होती जरूर है, लेकिन यही विभिन्नताएं कई बार अलग अलग तरह की लोगों के बीच पुल का काम भी करती हैं। विभिन्न सामाजिक समूहों के लोग अपने समूहों की सीमाओं से परे भी समानताओं और असमानताओं का अनुभव करते हैं। जो उदाहरण पहले दिया गया है उसमें कार्लोस और स्मिथ तो एक हिसाब से समान थे, दोनों एफ्रो अमेरिकी थे, जबकि नॉर्मन स्वेद व्यक्ति था, पर इन तीनों में एक समानता थी, वे सभी नस्ल आधारित भेदभाव के खिलाफ थे।
अक्सर यह देखा जाता है कि एक धर्म को मानने वाले लोग खुद को एक ही समुदाय का सदस्य नहीं मानते, क्योंकि उनकी जाति या फिर उनका पंथ अलग अलग होता है। यह भी संभव है कि अलग अलग धर्म के अनुयायी होकर भी एक जाति वाले लोग खुद को एक दूसरे के ज्यादा करीब महसूस करें। एक ही परिवार के अमीर और गरीब ज्यादा घनिष्ठ संबंध नहीं रख पाते हैं, क्योंकि सभी अलग अलग तरीके से सोचने लगते हैं। इस प्रकार हम सभी एक से ज्यादा पहचान होती है। इस तरह लोग एक से ज्यादा सामाजिक समूहों का हिस्सा हो सकते हैं। दरअसल हर संदर्भ में हमारी पहचान एक अलग रूप धारण कर लेती है। अब है आपका विभिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव। सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं से ऊपर और बड़े हो जाते हैं। अमेरिका में श्वेत और अश्वेत का अंतर एक सामाजिक विभाजन भी बन जाता है, क्योंकि अश्वेत लोग आमतौर पर गरीब, बेघर और भेदभाव का शिकार है। हमारे देश में भी आप देखते हैं कि दलित जो STSC है आमतौर पर गरीब और भूमिहीन होते हैं। उन्हें भी अक्सर भेदभाव और अन्याय के शिकार होना पड़ता है। जब एक तरह का सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है और लोगों को यह महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के हैं, तो इससे एक सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा होती है। एक इंटरेस्टिंग बात इतनी सी याद रखिए आप लोग। आप कहेंगे वो गरीब होते हैं, उन्हें गरीब किसने बनाया? एक मतलब कुछ तो कमी रही होगी। आज आप समझिए कि एक बच्चा अच्छे परिवार में, मतलब जिसकी आर्थिक स्थिति बेहतर है, उस परिवार में पैदा हो रहा है और एक बिल्कुल गरीब में पैदा हो रहा है। दोनों को बेहतर शिक्षा दीजिए, स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्था करिए, उन्हें पोषक आहार, मतलब जो व्यवस्था हो सकती है खाने की पीने की, बेहतर दीजिए और दोनों को एक स्कूल में पढ़ाइए। मुझे नहीं लगता है कि कोई अंतर दिखेगा। हाँ, 1-2% मतलब थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है 19-20 का, लेकिन दोनों बराबर ही अपने रोजगार, खुद अपने आप पर सक्षम, मतलब अपने पैरों पर खड़े होने की चाह रखते हैं। उनमें क्षमता है कि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। लेकिन एक खाई कौन बांट देता है? इस खाई में आप देखते हैं कि जो भी STSC है, हकीकत यही है कि उनके लिए व्यवस्था कोई ना तो रोजगार की कोई अच्छे साधन है और ना ही कहीं स्कूल। आप देखते हैं स्वास्थ्य की भी व्यवस्था देखते हैं कि किस तरह से वो जिंदगी गुजारते हैं। सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं कहां से? आप जानते हैं सरकारी स्कूल की हालत क्या है? समझ रहे हैं आप लोग? तो यही हाल है। इसीलिए ये खाई बढ़ती जा रही है गरीब और अमीर के बीच की। ठीक है, अगर आपको कभी भी, वैसे आपका देश में ये संभव ही नहीं लगता है, 1947 से जब से हम आजाद हुए तब से गरीबी हटाओ का आंदोलन चलता आ रहा, नारा देते आते हैं, कई नेता अपनी रोटियां सेंकते रहते हैं। अगर तुम्हें देना ही है, गरीबी हटाना ही है, तो सबसे बेहतर तरीका है गरीबी हटाने का कि तुम शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, मतलब रोजगार की व्यवस्था करवा दीजिए, यानी कि प्रशिक्षण की व्यवस्था करवा दीजिए। आप सोचिए कि अगर गरीब स्वास्थ्य यानी कि रोग से मर रहा है तो क्यों मर रहा है? क्योंकि पैसा नहीं है उसके पास खर्च करने के लिए कि बेहतर इलाज करवा सके। अगर ये आप सोचिए फ्री में हो जाए सुविधा, तो कोई गरीब मुझे नहीं लगता है कि रोग से मरेगा, बीमारियों से। शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा आपको फ्री में बांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को, ना ही कोई योजनाएं लाने की जरूरत पड़ेगी अगर सभी को शिक्षा उपलब्ध कराएं। अभी आज ही मैं आर्टिकल पढ़ रहा था दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बारे में। वहां के पता है 95-97% तक बच्चों ने प्राप्त किया है सरकारी स्कूल वालों ने। जो वहां प्राइवेट स्कूल है उनसे बेहतर स्कोर किया है आपकी सरकारी स्कूलों ने दिल्ली में। तो एक काम तो दिल्ली में हुआ है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, देख लीजिए, और रोजगार दूसरा, और तीसरा शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो इतना बेहतर काम हुआ है कि आप केरल के बराबर पहुंचने वाला है आपका। और मुझे लगता है कि आप जैसी अंधभक्ति नहीं है कि हमें सिर्फ वोट देने से मतलब है, अपने बच्चों को पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, ना हमें गरीबों से मतलब है, ना किसी से मतलब है। तो यही भुगत रहे हैं हम लोग, 70 साल से भुगत रहे हैं और भुगतते रहेंगे। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि दिल्ली में इस बार आपने देखा है हर पार्टी ने अपनी इतनी कोशिश की, जोर तोर, मतलब जितनी हो सकती थी मेहनत की, लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल जीता है। एक दुनिया में मैंने पहली बार ऐसा नेता देखा है जिसने बोला है कि मेरे काम पर वोट दो, अगर तुम्हें लगता है कि मैंने काम नहीं किया है तो मत वोट दो। ऐसा कोई मिलेगा आज नेता? आप अपने विधायक जी से पूछ लीजिए, वो कहेंगे यार मैंने इस बार नहीं कर पाया हूँ काम,
अगली बार मैं जरूर करूंगा, आपके स्कूलों की व्यवस्था करवा दूंगा, शिक्षा बच्चों की आपके ख्याल रखूंगा, ऐसा करवा दूंगा वैसा। लेकिन उस आदमी को मैंने देखा है, कई बार इंटरव्यू भी देखा है, बहुत अच्छा काम किया है। और देख रहे हैं आप लोग स्कूल का भी, दिल्ली के लोगों से बात कीजिए, वहां के बच्चों से बात कीजिए, खुश हैं। और हम लोगों को देखिए कि उत्तर भारत को देखिए, बुंदेलखंड की स्थिति देखिए, आपको देखना है तो, कि जहां से अच्छे अच्छे नेता आए हुए हैं फिर भी पिछड़ा हुआ इलाका लगता है। तो ये हमारी, मुझे नहीं लगता है नेताओं की इसमें गलती है, हमारी गलती है क्योंकि हम ऐसे नेताओं को चुनते हैं। अगर एक ही सामाजिक असमानताओं कई समूहों में मौजूद हो तो फिर भी एक समूह के लोगों के लिए दूसरे समूह से अलग पहचान बनाना मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब यह है कि किसी एक मुद्दे पर कई समूहों के हित एक जैसे हो जाते हैं, जबकि किसी दूसरे मुद्दे पर उनके नजरिए में अंतर हो सकता है। उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड का उदाहरण लें, दोनों ही ईसाई बहुल देश हैं, लेकिन यहाँ के लोग प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक खेमे में बटे हुए। उत्तरी आयरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच गहरी समानता है और वहाँ कैथोलिक समुदाय गरीब है, लंबे समय से उनके उसके साथ भेदभाव होता आया है। नीदरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच ऐसा मेल दिखाई नहीं देता है, वहाँ के कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों में अमीर और गरीब हैं। परिणाम यह है कि उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच भारी मारकाट चलती रहती है, पर नीदरलैंड में ऐसा नहीं होता है। जब सामाजिक विभिन्नताएं एक दूसरे से गुंथ जाती हैं तो एक गहरे सामाजिक विभाजन की जमीन तैयार होने लगती है, जहां ये सामाजिक विभिन्नताएं एक साथ कई समूह में विद्यमान होती हैं, वहां उन्हें संभालना अपेक्षाकृत आसान होता है। आज अधिकतर समाजों में कई किस्म के विभाजन दिखाई देते हैं, देश बड़ा हो या फिर छोटा हो इसमें खास फर्क नहीं पड़ता है। भारत काफी बड़ा है और इसमें अनेक समुदाय के लोग रहते हैं, ईसाई जैन देखते हैं आप लोग, बौद्ध आप देखते हैं, मुस्लिम हिंदू सिख हमारे यहाँ समुदाय। बेल्जियम छोटा देश है पर वहाँ अनेक समुदाय के लोग रहते हैं। जर्मनी और स्वीडन जैसे समरूप समाज में भी, जहाँ मोटे तौर पर अधिकतर लोग एक ही नस्ल और संस्कृति के रहते हैं, दुनिया के दूसरे हिस्सों में से पहुँचने वाले लोगों के कारण तेजी से बदलाव हो रहा है। ऐसे लोग अपने साथ अपनी संस्कृति लेकर पहुँचते हैं, उनमें अपना अलग समुदाय बनाने की प्रवृत्ति होती है। इस हिसाब से आज दुनिया की अधिकतर देश बहुसांस्कृतिक हो गए हैं। अगर समरूप की बात करें, समरूप समाज की, तो एक ऐसा समाज जिसमें सामुदायिक सांस्कृतिक या फिर जातीय विभिन्नताएं ज्यादा गहरे नहीं होती है, उसे हम लोग समरूप समाज कहते हैं। यहाँ कुछ पॉइंट है, इसे देखिए। रंग भेद, एक रोग किसी ने खोद निकाला कि 20वीं सदी का एक शहर और फिर लिखा अपना निष्कर्ष कुछ इस तरह से। यहाँ एक दिलचस्प अभिलेख है, इस नस्ल पर हर जाति और धर्म के लोगों को पानी पीने की अनुमति है। क्या मतलब होगा ऐसा लिखने का? क्या यह समाज आपस में बटा हुआ था? क्या इस समाज में कुछ ऊंचे थे और बाकी नीचे थे? ठीक, फिर इस शहर को दफन कर दिया देना ही बेहतर है। क्या कहा गया इसे फिर? मशीन का युग, यह तो 20वीं सदी के बीच का काल था। दया बवाद, एक बात आप लोग लिखिए, इस नस्ल पर हर जाति और धर्म के लोगों को पानी पीने की अनुमति है। इस लाइन का मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर यहाँ भेदभाव ना होता तो ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या जरूरत थी, सब पीते रहते पानी। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ भेदभाव आपको देखने को मिल रहा है। माँ, काली काली पतली देह, वह माँ थी मेरी, जंगल में गुम ठीक सुबह से जलावन के लिए हम सारे भाई साथ बैठे देखते थे उसकी राय, और अगर वह जलावन ना बेच पाती तो भूखे सो जाते। बावन नीलांकर साहब ने लिखा है। दलित कवियों की इन दो पंक्तियों को पढ़े, पोस्टर के ऊपर आप प्रगट रंगभेद क्यों लिखा गया है। रंगभेद का मतलब है ये कि भेदभाव किया जा रहा है। क्या कह रहे हैं? भेदभाव। अब यहाँ लकड़ी बीनने की नौबत क्यों आई हुई है? आप ही सोच सकते हैं कि कोई भेदभाव तो है तब इस तरह का समाज देखने को मिल रहा है। इमराना 10वीं कक्षा के सेक्शन बी की छात्र है। वह 12वीं कक्षा के छात्रों को विदाई पार्टी देने की तैयारी में अपनी कक्षा के अन्य छात्रों के साथ 11वीं कक्षा के छात्रों की मदद कर रही है। पिछले महीने उसने सेक्शन की खो खो टीम की तरफ से 10वीं कक्षा के सेक्शन आ की टीम के खिलाफ मैच खेला। वह बस से घर जाती है, उसी बस में यमुना पार से आने वाले और भी बच्चे होते हैं जो अलग अलग कक्षाओं में पढ़ते हैं। इमराना उनसे भी हिली मिली है। इमराना और उसकी बड़ी बहन नाइमा की शिकायत है कि उन्हें
तो माँ के साथ घर के काम में हाथ बटाना पड़ता है, जबकि उसका भाई को कोई काम नहीं करता है। इमराना के पिता उनकी बड़ी बहन के लिए एक लड़का ढूंढ रहे हैं। उनकी कोशिश है कि लड़का उनकी उन्हीं की हैसियत में हो। क्या आप बता सकते हैं कि इमराना की पहचान किस आधार पर की जा सकती है? घर में वह एक लड़की है, धर्म के हिसाब से वह मुस्लिम है, स्कूल में वह छात्र है। एक बात आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ सीधा भेदभाव की बात की जा रही है, उसके भाई से कोई काम नहीं करवाया जाता है, समझ रहे हैं? सामाजिक विभाजन की अगर राजनीति की हम लोग बात करें, सामाजिक विभाजन राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करता है? राजनीति का इन सामाजिक विभाजनों से क्या लेना देना है? पहली नजर में तो राजनीति और सामाजिक विभाजनों का मेल बहुत खतरनाक और विस्फोटक लगता है। लोकतंत्र में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतिद्वंद्विता का माहौल होता है। इस प्रतिद्वंद्विता के कारण कोई भी समाज फूट का शिकार बन सकता है। अगर राजनीतिक दल समाज में मौजूद विभाजनों के हिसाब से राजनीतिक होड़ करने लगे तो इससे सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन में बदल सकता है और ऐसे में देश विखंडन की तरफ जा सकता है। ऐसा कई देशों में हो भी चुका है। आप देखिए कि अगर आप किसी समाज को लेकर चल रहे हैं तो आप एक क्षेत्र तक सीमित हो सकते हैं नेता, और अगर आपको सबसे ऊंचे पौधे तक जाना है तो आपको ये असमानता यानी कि जातिवाद की राजनीति छोड़कर पूरे समाज को लेकर चलना पड़ेगा। क्योंकि आप कई राज्यों में देखते हैं कि कई राज्य हुए जातीय आधार पर पार्टी बनाई गई, वो जातीय आधार पर पार्टी बनकर रह गई, आगे कभी नहीं बढ़ पाई है, समझ रहे हैं आप लोग? देश को चलाना यानी कि मतलब सबको लेकर चलना बराबर है। परिणामों का दायरे की बात करें तो उत्तरी आयरलैंड का एक उदाहरण ले जिसका जिक्र हम ऊपर कर चुके हैं, ग्रेट ब्रिटेन का। यह ऐसा काफी लंबे समय से हिंसा, जातीय कटुता और राजनीतिक टकराव की गिरफ्त में है। यहाँ की आबादी मुख्यतः ईसाई ही है, पर वह इस धर्म को के दो प्रमुख पंथों में बुरी तरह से बटी हुई है। यहाँ 53% आबादी प्रोटेस्टेंट है और जबकि 44% रोमन कैथोलिक है। कैथोलिकों का प्रतिनिधित्व नेशनलिस्ट पार्टियां करती हैं। उनकी मांग है कि उत्तरी आयरलैंड को आयरलैंड गणराज्य के साथ मिलाया जाए जो कि मुख्यतः कैथोलिक बहुल है। प्रोटेस्टेंट लोगों का प्रतिनिधित्व यूनियनिस्ट पार्टियां करती हैं जो ग्रेट ब्रिटेन के साथ ही रहने के पक्ष में है, क्योंकि ब्रिटेन मुख्यतः प्रोटेस्टेंट देश है। यूनियनिस्टों और नेशनलिस्टों के बीच चलने वाले हिंसक टकराव में ब्रिटेन के सुरक्षा बलों सहित सैकड़ों लोग और सेना के जवान मारे जा चुके हैं। 1998 में ब्रिटेन की सरकार और नेशनलिस्टों के बीच शांति समझौता हुआ जिसमें दोनों पक्षों ने हिंसक आंदोलन बंद करने की बात स्वीकार की। यूगोस्लाविया में कहानी का ऐसा सुखद अंत नहीं हुआ है। वहां धार्मिक और जातीय विभाजन के आधार पर शुरू हुई राजनीतिक होड़ में यूगोस्लाविया कई टुकड़ों में बट गई है। याद रखना चाहिए आपको कि ये वही देश है ब्रिटेन जो कहा करते थे कि हम जब 1947 में छोड़ के गए लोग तो कहा जाता था कि ये 4 से 5 साल तक भी देश नहीं चल पाएगा, भारत कई भागों में बट जाएगा, क्योंकि आप देख रहे थे किस तरह से रियासतें थी। आपने देखा हैदराबाद अलग होने की मांग कर रहा था, जम्मू कश्मीर अलग होने की बात कर रहा था, मैसूर अलग होने की बात कर रहा था। तो आप किस तरह से हम एक संघ में बांध के नहीं रख पाना मुश्किल लग रहा था उस समय। लेकिन आपने देखा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू देख लीजिए, फिर चाहे आपकी सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्हें एक करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे बड़ा हाथ रहा है। सभी रियासतों को मिलाकर एक रखने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा हाथ है, समझ रहे हैं? और आज भी हम लोग देख रहे हैं कि हमारे यहाँ सभी धर्म मिलजुल कर रह रहे हैं, तो इसके बंटवारे की नौबत नहीं आई है। और दूसरे जो आज हम पर राज करके गए हैं उन देशों में आप देखिए, उस देशों में हमसे ज्यादा भेदभाव देखने को मिल रहा है। ऐसे उदाहरणों के आधार पर कुछ लोग यह निष्कर्ष निकालते हैं कि राजनीति और सामाजिक विभाजन का मेल नहीं होना चाहिए। बुल्गारिया, रोमानिया या भारत, गणेश विदेश घूमकर आया था और वह महाश्वेता को बता रहा था कि पूर्वी यूरोप के विभिन्न देशों में रहने वाले रोमानी लोगों का जीवन कैसा है। उन्हें योदांका मिली थी जो बुल्गारिया में नर्स थी। रोमानी लोगों के बारे में उसने ये बात कही थी, नर्स होने के चलते आप किसी की तीमारदारी करने में से मना तो नहीं कर सकते, पर ये रोमानी लोग बहुत गंदे होते हैं।
किसी के परिवार में किसी को जरा भी कुछ हो जाए तो पूरा परिवार और पड़ोसी उठकर हमारे अस्पताल आ जाते हैं, और जब वे अस्पताल में होते हैं तो जुबान बंद रखना तो जानते ही नहीं है। वे जोर जोर से बोलते हैं, सिगरेट पीते हैं, चारों ओर राख और सिगरेट के टुकड़े फेंकते रहते हैं, यहाँ दीवारों पर थूकते रहते हैं। धैर्य तो उनमें होता है ही नहीं है। वे हमारे डॉक्टरों को परेशान करते हैं, उनके साथ बदतमीजी करते हैं। दरअसल ये काली चमड़ी वाले लोग हमारी तरह होते ही नहीं हैं। उनकी रंगों की पसंद भी बहुत अजीब और गरीब है। जरा उनकी पोशाक तो देखिए, आखिर वे देश के बाकी लोगों की तरह क्यों नहीं रहते? फिर हम सब जानते हैं कि वे चोर हैं। मैंने लोगों को यह कहते हुए सुना है कि ये रोमानी लोग अपना खून बेच कर जीवन चलाते हैं। इसमें से कोई भी अस्पताल का खर्च नहीं उठा सकता है, पर बीमार होने पर दौड़ दौड़ के अस्पताल पहुंच जाते हैं और नेक बुल्गारियाई करदाताओं के पैसों पर इलाज कराते हैं। ये बातें कुछ कही सुनी सी लगती हैं, महाश्वेता ने कहा। गणेश ने फिर रोमानिया में रहने वाले रोमानी मुद्दुजैनी के बारे में बताया। जब वह 18 साल की थी तो उसने अस्पताल में अपने पहले बच्चे को जन्म दिया। उसके पास डॉक्टर या नर्स के देने के लिए एक भी पैसा नहीं था। वह अस्पताल में थी पर कोई भी उससे मिलने या फिर उसकी देखभाल करने नहीं आया। आखिरकार वहां की सफाई कर्मचारियों ने, जो खुद भी रोमानी थी, उसकी मदद की और उसे बेटा हुआ। जब उसे बच्चा हो गया तो नर्स बच्चे को लेकर आई और बोली, लीजिए एक अपराधी और पैदा हो गया। सरकारी अस्पतालों में रोमानी लोगों के साथ होने वाले व्यवहार के बारे में उसने बताया। डॉक्टर हमें अपने केबिन के सामने इंतजार करते रहते हैं, कराते रहते हैं। एक बार एक डॉक्टर ने कहा कि अगर तुम्हें जांच करानी है तो पहले नहा कर आओ। निश्चित रूप से मेरे शरीर से बदबू आ रही थी। गर्भावस्था के दौरान इन्होंने कूड़ेदान से खाना उठाकर खाया क्योंकि इन्हें हरदम भूख लग रही थी। इनके पति ने इन्हें छोड़ दिया था और इनके दो बच्चे थे और तीसरा गर्भ में था। सामाजिक कार्यकर्ता ने इन्हें खाना देकर देने से मना कर दिया था। पेशाव के समय ऐसे इनके पड़ोसियों ने भी इनकी मदद की। इन्हें लगता है कि इन अस्पतालों में ना जाना ही अच्छा है, यानी कि एक भेदभाव की बात की जा रही है। महाश्वेता ने गणेश की बात सुनी और कहा कि गणेश, इन चीजों को जानने के लिए दुनिया के दूसरे हिस्से तक जाने की जरूरत ही क्या थी। यह रोमानिया और बुल्गारिया की ही कहानी नहीं है, यह तो खैर रोमानी लोगों का दास्तान, लेकिन यही सब तो हमारे यहाँ भी देखने को मिलता। हमारे यहाँ शासन द्वारा अपराधी घोषित जरा यम पेशा लोगों के साथ ही व्यवहार होता है। क्या आपको महाश्वेता की कहानी सही लगती है? क्या आप अपने इलाके के कुछ ऐसे समुदाय को जानते हैं जिनके साथ रोमानी लोगों जैसा बर्ताव किया जाता है, देखते रहते हैं? क्या आपने कुछ लोगों को वैसी बातें कहते सुना है जैसे ये योरदांका और मुंदुजेनी कर रही थी? अगर हाँ तो जरा कल्पना करें कि अगर आपके ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं तो यह कहानी कैसी होगी? क्या बुल्गारिया की सरकार को यह प्रयास करना चाहिए कि रोमानी लोग भी बुल्गारिया के बाकी लोगों जैसी पोशाक पहने और वैसा ही आचरण करें? समानताएं देखिए, असमानताएं हर देश में देखने को मिलती हैं। क्या आपके यहाँ अभी भी नहीं देखने को मिलती हैं? आपके ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर देखिए, आप लोग खुद अभी भी इस तरह के भेदभाव देखने को मिल रहे हैं कि एक जाति ऊपर बैठती है, एक जाति को नीचे जमीन पर बैठाया जाता है। आप देखते रहते हैं कि अस्पतालों में, हॉस्पिटलों में देखिए, आप सबसे बड़ी बात कि आप वहां जाकर देखिए सरकारी सेवाओं में उनकी क्या हालत रहती है। बस कुछ जगह हमारे यहाँ कई काफी हद तक सीमित भी हो चुका है, यानी कि ठीक है हमारे यहाँ की स्थिति। और याद रखिए कि अब आवाज तो उठानी पड़ेगी आपको ही। आप सोचें आप पर अत्याचार हो रहा है तो कोई और आए, तो मुझे नहीं लगता है कि इस समय कोई आएगा। वो अलग टाइम था जब हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुआ करते थे, और उस समय के नेताओं में और इस समय के नेताओं में बहुत फर्क है। आप दलित हैं या हम दलित हैं या कोई भी दलित है, तो आपने देखा होगा आपका नेता होता है, वो नेता अपने पेट तो भर लेता है, अपना घर उसका देखिए, उसके बच्चे कभी नहीं सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, विदेश पढ़ेंगे। लेकिन सोचिए कि आपके लड़ते लड़ते, आपके लिए लड़ते लड़ते आप गरीब के गरीब ही बने रहे, लेकिन उनकी हालत देखिए कि वो कहाँ पहुंच चुके हैं। तो ये नेता किसी के नहीं होते हैं, समझ रहे हैं? उनका मानना है कि सर्वश्रेष्ठ स्थिति तो यह है कि समाज में किसी किस्म का विभाजन ही ना हो। अगर किसी देश में सामाजिक विभाजन है तो उसे राजनीति में अभिव्यक्ति ही नहीं होने देना चाहिए। पर इसके साथ यह भी सच्चाई है कि राजनीति में सामाजिक विभाजन की
हर अभिव्यक्ति फूट पैदा नहीं करती है। हमने पहले भी देखा है कि दुनिया के अधिकतर देशों में किसी न किसी किस्म का सामाजिक विभाजन है, और ऐसे विभाजन राजनीतिक शकल भी अख्तियार करते हैं। लोकतंत्र में सामाजिक दलों के सामाजिक विभाजन की बात करना और विभिन्न समूहों से अलग अलग वायदे करना बड़ी स्वाभाविक बात है। विभिन्न समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व देने का प्रयास करना, विभिन्न समुदायों की उचित मांगों और जरूरतों को पूरा करने वाली नीतियां बनाना भी इसी कड़ी का हिस्सा है। अधिकतर देशों में मतदान के स्वरूप और सामाजिक विभाजनों के बीच एक प्रत्यक्ष संबंध दिखाई देता है। इसके तहत एक समुदाय के लोग आमतौर पर किसी एक दल दूसरे एक दल को दूसरे के मुकाबले ज्यादा पसंद करते हैं और उसी को वोट देते हैं। कई देशों में ऐसी पार्टियां हैं जो सिर्फ एक ही समुदाय पर ध्यान देती हैं और उसी के हित में राजनीति करती हैं, पर सबकी परिणीति देश के विखंडन में नहीं होती है। ये लक्षण आप अपने देश में भी देखते रहते हैं, हम भी अपने यहाँ देखते हैं। और मुझे लगता है सोशल मीडिया जब से आ गया है तब से समाज में भेदभाव कुछ ज्यादा ही नफरत फैलने लगी है। मैं देखता हूँ कि मैं हिंदू हूँ, मैं ये हूँ, मैं इस जाति का हूँ, मैं इस जाति का हूँ, तो मतलब मुझे नहीं लगता है। या एक मैं कहीं कोर्ट्स पढ़ रहा था कि कोई कह रहा है हम पंडित हैं, हम ठाकुर हैं, हम यादव हैं, हम दलित हैं, हमें है। तो उसमें लिखा हुआ था हम कुछ नहीं है, मंदिर का घंटा है कि जिसे टाइम आते हर कोई बजाता रहता है। वहां सही लिखा हुआ था। आप भी सोचिए कि जब वोट का टाइम आता है, चुनाव का टाइम आता है, तब हर कोई आपके द्वार पर आ जाता है, आपका कितना भी चाहता नेता हो, लेकिन उसके बाद आप मर रहे हैं, आपके बच्चे भीख मांग रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यही आपकी अंधभक्ति है, एक दिन उन बच्चों पर भी हावी हो जाती है। अब आप सोचिए कि 70 साल से आप इस एक पार्टी को चुनते आ रहे हैं, नहीं? उसके बाद आपने मतलब शिक्षा की कोई मांग ही नहीं उठाई, आपने स्वास्थ्य की कोई बात ही नहीं की, अब उसके बाद एक दूसरी पार्टी को आप अंधभक्ति करने लग जाते हैं। तो बने रहिए अंधभक्त, आप अपने ऊपर तो अत्याचार कर ही रहे हैं, साथ में उन बच्चों पर भी अत्याचार कर रहे हैं जो आने वाली पीढ़ी है हमारी, वो भी इस तरह की पैदा होगी। समझ रहे हैं, जो आप अपने बच्चों को सिखाएंगे वही तो आगे पाएंगे। आप सुबह से डेली गाली 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 बकिए, बच्चा भी बड़ा होकर गाली ही बकेगा, वो राम राम नाम नहीं लेगा। समझ रहे हैं, तो यही देखने को मिल रहा है और यही कारण है कि हम भुगत रहे हैं कि हम कोई बीमारी से मर रहा है, कोई इस तरह से मर रहा है, मतलब भूख प्यास से मर रहा है। अब सोचिए क्या हमारे यहाँ लोकतंत्र है, 70 साल होने जा रहे हैं लोकतंत्र को, फिर भी एक माँ को रोड पर जन्म देने अपने बच्चे को जन्म दे रही है रोड पर। लॉकडाउन के दौरान आपने देखा है कि कई मजदूर मर रहे हैं, उस समय आपके नेता ही नहीं आए हैं रोड। सबसे दर्दनाक स्थिति वो थी जब उस महिला ने बच्चे को रोड पर जन्म दिया, उसके बाद वो उठकर फिर से चलने लगी। अब मुझे तो नहीं लगता है कि कोई नेता किसी नेता की बीवी ने रोड पर जन्म दिया हो किसी बच्चे को। ये भेदभाव नहीं है क्या है? तो जो आप पाएंगे, देखिए नेताओं का काम, उन्हें दोषी नहीं मान सकते हैं आप लोग, मैन दोषी हम ही हैं। और कभी आपको लगता है कि आप अंधभक्ति, उस माँ की जगह अपने आप को, अपने परिवार को रख के देखा करिएगा कि क्या स्थिति है। मुझे तो नहीं लगता है कि राम, कई नेताओं को मैंने देखा है, पॉलिटिशियन को, कई विधायकों मंत्रियों को, कि जो रामायण देख रहे हैं, महाभारत देख रहे हैं, कोई कहीं है, कोई कुछ टाइम पास कर रहा है, कोई चेस खेल रहा है, कोई गेम्स खेल रहा है, कोई रोड पर नहीं दिख रहा है। और मैं इतना कह सकता हूं कि अगर भगवान श्री राम होते इस समय भी, तो वो घर में दुमक के कभी ना बैठते, क्योंकि आपने रामायण देखी तो है, महाभारत देखी तो है, उसमें ऐसा कभी नहीं दिखा हमें कि जनता मर रही हो, राजा घर में जाकर बैठा हो। समझ रहे हैं आप लोग, ये स्थिति, तो इस स्थिति को देखकर, उस महिला की स्थिति को देखकर मुझे लगता है कि हम 1947 से पहले की स्थिति में है। हम गुलाम ही ठीक थे फिर तो, अगर हमें यही भुगतना था तो गुलाम ही ठीक थे। चलिए खैर छोड़िए, आपको जो भी दोगे वही तो मिल रहा है। दिल्ली की जनता आज भी मैं कहता हूं कि मुझे पसंद आई, केरल की जनता मुझे पसंद आई, किसी को पसंद आए या ना आए, लेकिन मुझे अपने पर्टिकुलर समझ में आया। रात भाई बात रही, कई लोग लिखते हैं सोशल मीडिया कर फ्री का खाने की आदत पड़ गई है, तो मैंने देखा है उन लोगों को भी देखा है जो रईस हैं, जियो की सिम लेने के लिए लाइन में लगे हुए थे। तो अपने आप को महारत हासिल मत समझिए, कभी अपने आप से मिल लिया करिएगा। अगर फ्री का बट रहा हो तो आप भी लाइन में पहुंच जाते हैं, हम भी लाइन में लग जाते हैं। तो फ्री का खाना उन्हें मक्कार बोलना आपके हक में नहीं है, आपकी औकात नहीं है कि उन्हें मक्कार बोला जाए, दिल्ली की जनता को, ठीक है।
क्योंकि अगर वो मक्कारी भी खा रहे हैं तो कम से कम अपने बच्चों का भविष्य तो बना रहे हैं। हम तुम जैसे भक्ति करके अपने बच्चों की अंधकार में नहीं धकेल रहे हैं। चलिए खैर छोड़िए, ठीक है। तीन तीन आयाम सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम तीन चीजों पर निर्भर करता है। पहली चीज है लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना। अगर लोग खुद को सबसे विशिष्ट और अलग मानने लगे तो उनके लिए दूसरों के साथ तालमेल बैठाना बहुत मुश्किल होता है। जब तक कि उत्तरी आयरलैंड के लोग खुद को सिर्फ प्रोटेस्टेंट या फिर कैथोलिक के तौर पर देखते रहेंगे तब तक उनका शांत हो पाना संभव नहीं है। अगर लोग अपनी बहुस्तरीय पहचान के प्रति सचेत रहे हैं और उन्हें राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा या सहयोगी मानते हैं तब कोई समस्या नहीं होती है। जैसे बेल्जियम के अधिकतर लोग खुद ही बेल्जियाई ही मानते हैं, भले ही वे डच या फिर जर्मन बोलते हैं। इस नजरिए से उन्हें साथ रहने में मदद मिलती है। और हमारे देश में भी ज्यादातर लोग अपनी पहचान को लेकर ही नजरिया रखते हैं। वे खुद को पहले भारतीय मानते हैं, फिर किसी विदेश क्षेत्र या भाषा या समूह या फिर धार्मिक और सामाजिक समुदाय का सदस्य मानते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कि किसी समुदाय की मांग को राजनीतिक दल कैसे उठा ले रहे हैं। संविधान के दायरे में आने वाली और दूसरी समुदाय को नुकसान ना पहुंचाने वाली लोगों को मान लेना आसान है। श्रीलंका में श्रीलंका केवल सिंघलियों के लिए की मांग तमिल समुदाय की पहचान और हितों के खिलाफ थी। यूगोस्लाविया में विभिन्न समुदाय के नेताओं ने अपनी जातीय समूहों की तरफ से ऐसी मांगें रख दी जिन्हें एक देश की सीमा के भीतर पूरा करना असंभव था। उत्तरी आयरलैंड में कुछ स्थानों पर प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक लोगों के समुदाय दीवार के माध्यम से बटे थे। इन दीवारों पर अक्सर कुछ ना कुछ लिखा हुआ देखने को हमें मिलता था। इस तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि आयरिश रिपब्लिकन आर्मी और ब्रिटेन की सरकार के बीच 2005 में एक समझौता हुआ था जहां अंकित दीवार लेखन सामाजिक तनाव के बारे में क्या कहता है। नो देखा होगा, नो ब्लैक, नो डॉग्स, नो आयरिश, नो रेसिज्म, नो प्रेजुडाइस, नो बिगटरी। मैं तो एक ही बात कहूंगा यार, पता है, भक्त अपने बच्चों को कभी भक्त मत बनाना। किसी भी पिता के हो, किसी धर्म के पिता हो या किसी के अंधभक्त मत बनाना, क्योंकि जब हम किसी के प्रति अंधभक्ति करने लगते हैं तो उसकी गलत और सही दिखना हमें बंद हो जाता है। हम केवल उसकी सही सही देख पाते हैं, उसमें क्या कमियां हैं उसे को नहीं देख पाते हैं। आपने कई संत देखे हैं, किस तरह के संत देखे हैं आपने, देखा है कि कितने बड़े बड़े दुष्कर्मी निकले हुए हैं लेकिन लोग अभी भी उन्हें मान रहे हैं, क्योंकि उनके प्रति उनका बुरा नजरिया उन्हें दिखा ही नहीं है। उनमें कमियां दिखी ही नहीं है, उनमें उन्हें अच्छाई दिखती रहती है। और जब हमें किसी के प्रति इतनी अंधभक्ति हो जाती है, आंख बंद करके भरोसा करने लगते हैं, तो उसमें हमें कमियां दिखना बंद हो जाती हैं, केवल हमें उसकी अच्छाइयां ही देखने को मिलती हैं। तो इसलिए एक न्यूट्रल होकर किसी की भी भक्ति करिए कि अगर वो गलत है तो उसका गलत विरोध करिएगा, नहीं करिए विरोध, कम से कम उसका साथ तो मत दीजिए गलत में। समझ रहे हैं आप लोग। तीसरी चीज है कि सरकार का रुख, सरकार इन मांगों पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करती है, यह भी महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमने बेल्जियम और श्रीलंका के उदाहरणों में देखा है, अगर शासन तत्ता में साझेदारी करने की बात हो तो अल्पसंख्यक समुदाय की उचित मांगों को पूरा करने का प्रयास ईमानदारी से किया जाए तो सामाजिक विभाजन मुल्क के लिए खतरा नहीं बनते। अगर शासन राष्ट्रीय एकता के नाम पर किसी ऐसे मांग को दोबारा शुरू कर देता है तो अक्सर उल्टे और नुकसानदेह परिणाम ही निकलते हैं। ताकत के दम पर एकता बनाए रखने की कोशिश अक्सर विभाजन की ओर ले जाती है। इस तरह किसी देश में सामाजिक विभिन्नताओं पर जोर देने की बात हो तो हमेशा खतरा मानकर नहीं चलना चाहिए। लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन की राजनीति का अभिव्यक्ति एक सामान्य बात है और यह एक स्वस्थ राजनीति का लक्षण भी हो सकता है। इसी के विभिन्न छोटे सामाजिक समूह हसीये पर बड़ी जरूरतों और परेशानियों को जाहिर करते हैं और सरकार का ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं। राजनीति में विभिन्न तरह के सामाजिक विभाजनों की अभिव्यक्ति ऐसे विभाजनों के बीच संतुलन पैदा करने का काम भी करते हैं। इसके चलते कोई भी सामाजिक विभाजन एक हद से ज्यादा उग्र नहीं हो पाता। इस स्थिति में लोकतंत्र मजबूत ही होता है, पर विभिन्नताओं के प्रति सकारात्मक नजरिया रखना और सभी चीजों को समाहित करने की इच्छा
रखना इतना आसान मसला नहीं है। जो लोग खुद को वंचित, उपेक्षित और भेदभाव का शिकार मानते हैं, उन्हें अनन्य अन्याय से संघर्ष भी करना होता है। ऐसी लड़ाई अक्सर लोकतांत्रिक राष्ट्र ही अख्तियार करती है। लोग शांतिपूर्ण और संविधानिक तरीके से अपनी मांगों को उठाते हैं और चुनाव के माध्यम से उनके दबाव बनाते हैं, उन पर उनका समाधान पाने का प्रयास भी करते हैं। कई बार सामाजिक असमानताएं इतनी ज्यादा गैर बराबरी और अन्याय वाली होती हैं कि उनको स्वीकार करना असंभव होता है। ऐसे गैर बराबरी और अन्याय के खिलाफ होने वाले संघर्ष कई बार हिंसा का रास्ता भी अपना लेता है और शासन के खिलाफ उठ खड़ा होता है। इतिहास बताता है कि ऐसी तमाम गड़बड़ियों की पहचान करने, विविधता को समाहित करने का लोकतंत्र ही सबसे अच्छा तरीका है। अभी कुछ ही दिन पहले मैं किसी बस में जा रहा था, तो मैंने वहां पता है एक व्यक्ति से सुनते हुए सुना है कि मेरे दादा परदादा एक पार्टी को, मैं नाम नहीं लूंगा किसी पार्टी का, ठीक है, अपने हिसाब से सोचते रहिए, किसी भी पार्टी को याद रख लीजिए, मेरे बाप दादा उस पार्टी को वोट देते आ रहे थे और हम भी वोट दे रहे हैं और हमारे आने वाले बच्चे भी उसी पार्टी को वोट दें, चाहे वो गलत हो या सही हो। अब समझ सकते हैं आप लोग कि उनकी इतनी अंधभक्ति है उन लोगों की, फिर विकास कहां से होगा। जीवन के विभिन्न पहलुओं में देखने वाले सामाजिक विभाजन से जुड़ी तस्वीरें जमा करें। छोड़िए, ये आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन्हें भी देख सकते हैं आप लोग, और पीडीएफ आपकी पीडीएफ टेलीग्राम पर डली हुई है, तो वहां से डाउनलोड करके रख लीजिए। अगर टाइम मिलता है आपको तो एक से दो बार और पढ़ लीजिए, काम खत्म है, इतना बहुत है, ठीक है। तो ये था आपका तीसरा चैप्टर। चौथे चैप्टर में हम बात करेंगे जाति धर्म और लैंगिक मसलों के बारे में। याद रखिए, पॉलिटी की जो भी बुक्स रहती हैं बड़ी इंटरेस्टिंग रहती हैं। हमारे लिए एक ही बुक्स बड़ी बोरिंग लगती है, साइंस, क्योंकि साइंस इसलिए बोरिंग लगती है कि अगर हम लोग प्रैक्टिकल करके उसे पढ़ते तो वो भी हमें सरल लगती, लेकिन वो संभव नहीं है आपके परीक्षाओं में, सिविल सर्विस में, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप प्रैक्टिकल करते हुए बैठे रहें। तो बेहतर रहा करेगी इस तरह के जो भी प्रैक्टिकल करने के लिए बोला जाता है उन्हें छोड़ के आगे बढ़ जाया करिएगा, यही आपके लिए संभव है। ठीक है, मिलते हैं अगले चैप्टर में हम लोग।